Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home. So today we will start our fifth chapter. Anaya runs away. Anaya ek ladki ka naam hai bache. Ye chapter ka naam hai Anaya runs away. Anaya bhag gayi. Aaj hum is chapter ke bare mein padhenge. Okay? Firstly hum new word padhenge. Our first word is hotel. होटल क्या होता है बच्चे, यहाँ पे हम खाना खाने जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं उसको बोलते हैं. स्टेल क्या होता है बच्चे, जो बासी खाना होता है, जो हमारी बासी रोटी वगैरह होती है, मतलब जो कल की हो उसको स्टेल बोलते हैं. पैकेट क्या होता है, जिसमें मतलब कुछ पैक किया होता है गिफ्ट की तरह. ओके. और पेमेंट कहते हैं पटड़ी होती है यहाँ पे, मतलब ऐसे, मतलब जैसे सड़क के पेमेंट्स बनी होती हैं, मतलब ऐसे पटड़ी सी बनी होती है उसको बोलते हैं पेमेंट. Okay, so let's read. Did you know? Appreciation means saying something good about another person. किसी और के बारे में अच्छा बोलना, उसको appreciation कहते बोलते हैं. Appreciation क्या होता है बच्चे, किसी की प्रशंसा करना, किसी की praise करना. अगर आप अच्छे marks लेते हो, अच्छा काम करते हो, तो teachers आपकी class में praise करते हैं ना, तो उसको appreciation बोलते हैं. Appreciation should always be genuine. जो अप्रिशिएशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए, मतलब झूठ मूठ नहीं कहना चाहिए. अगर कोई अप्रिशिएशन के लायक है, अगर देखो आज आप बोल रहे हो कि आज ना उसका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं नहीं बोलूँगा उसको कि अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा. अगर बच्चे कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो उसको बोलो. कोई ड्रेस आपको अच्छी लग रही है उसकी, कोई कुछ भी चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसको बोलो कि ये आप पे अच्छा लग रहा है और ये आपकी चीज़ मुझे भी अच्छी लग रही है, तो वो थैंक यू बोलेगा. मतलब अगर किसी चीज़ की मतलब प्रेज़ करनी चाहिए, अगर वो प्रेज़ के लाइक है तो. इफ़ यू रियली लाइक समथिंग डोंट हेजिटेट टू से इट. अगर आपको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो आप शर्माओ मत, तो उसको बोलो कि ये बहुत अच्छी है. ओके. सो लेट्स रीड चैप्टर. अनाया रन्स अवे. अनाया वॉज अ वेरी नॉटी गर्ल. नॉटी क्या होते हैं बच्चे, शरारती. अनाया बहुत शरारती गर्ल थी. She never listened to anyone. वो कभी किसी को listen नहीं करती, कभी किसी को सुनती नहीं थी. She was rude to her teachers. वो अपने teachers के साथ भी बहुत rude थी. She did not get along with her friends. और अपने friend के साथ भी इतना उसकी कोई attachment नहीं थी. She was even rude to her parents. वो अपने parents के साथ भी बहुत rude behave करती थी. Parents क्या होते हैं हमारे, yes, mother, father. अनाया हैड एवरीथिंग. अनाया के पास सब कुछ था. शी हैड काइंड पेरेंट्स. बहुत अच्छे पेरेंट्स थे उसके. नाइस हाउस था, हर ओन रूम अपना कमरा था. एंड लॉट्स ऑफ टॉय. और उसके साथ बहुत सारे खिडौने थे उसके पास. शी वेंट टू अ गुड स्कूल एंड हर टीचर्स वर काइंड. वो बहुत अच्छे स्कूल में जाती थी और उसके जो टीचर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे. शी हैड एवरीथिंग अ लिटिल गर्ल कुड आस्क फॉर. उसके साथ वो सभी चीज़ें थी जो एक लिटिल गर्ल को चाहिए होती है. बट अनाया डिड नॉट अप्रिशिएट एनीथिंग. बट अनाया किसी भी चीज़ की कोई भी प्रशंसा नहीं करती थी, कोई भी अच्छी नहीं बोलती थी कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ अच्छी है. शी फेल्ट दैट हर पेरेंट्स एंड टीचर्स वर ऑलवेज टेलिंग हर बट टू डू. मतलब वो सोचती थी कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो टीचर्स हैं, वो हमेशा उसे बताते रहते हैं ये करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो. Even her friends did what their parents told them to do. मतलब उनके जो फ्रेंड्स है वो भी वही करते थे जो उनके पेरेंट्स उन्हें बोलते थे. They wanted to be home on time. मतलब वो चाहते थे कि घर में टाइम से आओ. They wanted to study. वो पढ़ाई कराना चाहते थे. They wanted to listen to the teacher. टीचर्स को listen करना चाहते थे. She did not like such people. वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती थी. Her mother used to tell her before you sleep, थैंक गॉड फॉर वट यू हैव. उसकी मदर उसे हमेशा ये बोलती थी कि अगर आपने मतलब बेड पे सोने से पहले आपने परमात्मा का थैंक यू करना है, शुक्रिया करना है कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है. ओके. आपको भी बच्चे सभी को एक बार सोते समय सोने से पहले ये थैंक यू करना चाहिए कि परमात्मा आपने मुझे, गॉड आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, थैंक यू फॉर दिस. बट अनाया नेवर डिड. बट अनाया कभी ऐसा नहीं करती थी, जैसे आप भी नहीं करते होगे सभी बच्चे. वन डे अनाया गॉट एंग्री विद हर मदर. एक दिन क्या हो गया, अनाया अपनी मदर के साथ गुस्से हो गई. बिकॉज शी टोल्ड अनाया टू टाइडी हर रूम.
क्योंकि अनाया को उसकी मदर ने बोला था कि आप अपना रूम साफ रखा करो। आई डोंट नीड टू बी आर टोल्ड वट टू डू, उसने बोला कि मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की कि मुझे क्या करना चाहिए। शी टोल्ड हर मदर, अपनी मदर को बोला। अनाया वॉज वेरी वेरी एंग्री, उसको बहुत बहुत गुस्सा था। शी डिसाइडेड टू रन अवे, उसने सोच लिया कि मैं घर से भाग जाऊँगी। शी वेटेड टिल हर मदर वॉज बिजी एंड वेंट आउट, वो वेट कर रही थी कि जब तक उसकी मदर बिजी थी और वो बाहर नहीं चली जाती। शी सॉ रामू काका द रिक्शा वाला, उसने रामू काका को देखा जो रिक्शे वाला था। शी आस्क्ड हिम टू टेक हर टू द टाउन, उसने बोला कि मुझे टाउन में ले चलो। वेन दे रीच्ड द टाउन, जब वो टाउन में पहुँचे, शी स्टार्टेड वॉकिंग, उसने तिरना शुरू कर दिया। आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद, शी सॉ सम स्ट्रीट चिल्ड्रन, उन्होंने कुछ गलियों में ऐसे बच्चे घूम रहे थे वो देखे। दे वर प्लेइंग विद बॉल, वो बॉल के साथ खेल रहे थे। शी थॉट दे लुक्ड सो हैप्पी, उसने सोचा कि ये तो बहुत खुश लग रहे हैं। नो वन वॉज टेलिंग देम वट टू डू, कोई उसे नहीं बोल रहा था कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। शी प्लेड विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत चिर उनके साथ खेली। इट बिगेन टू गेट डार्क, अभी अंधेरा होने वाला था। शी वॉज हंग्री थर्स्टी एंड वेरी टाइट, वो बहुत भूखी थी, प्यासी थी और बहुत थक चुकी थी। कैन आई स्टे विद यू, शी आस्क्ड चमेली, अ गर्ल ऑफ हर एज, एक उसकी एज की एक गर्ल थी चमेली, उसने उससे पूछा कि मैं आपके साथ रह सकती हूँ। द गर्ल सेड दैट शी कुड, हाँ उसने बोला कि हाँ रह सकती है। चमेली ओपनड अ पैकेट, उसने पैकेट खोला। इट हैड सम स्टेल रोटीज, उसमें क्या थी मतलब जो मतलब बासी रोटी होती हैं वो थी उसमें। हैव सम शी टोल्ड अनाया, उसने बोला लेनी है। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है अनाया सैड, अनाया ने बोला। चमेली ड्रैंक सम वाटर फ्रॉम अ टैप, उसने पानी पिया टैप से। देन शी पुट अ शीट ऑन द पेवमेंट, लेट स्लीप, वो ऐसे मतलब जो पटड़ी बनी होती है उस पर ऐसे मतलब एक शीट सी मतलब मैट सा बिछाया और बोली कि चलो सोते हैं। डोंट यू हैव पेरेंट्स, उसने बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, होम नहीं है, घर नहीं है, अनाया ने पूछा। चमेली लाफ्ड, चमेली हंसने लग पई। आई हैव नो वन, उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है। दिस इज़ माई होम, यही मेरा घर है। आई बैग एट द स्ट्रीट लाइट, मैं स्ट्रीट लाइट पे मतलब भीख मांगती हूँ। द होटल ओवर देयर गिव्स मी लेफ्ट ओवर फूड, मतलब जो यहाँ पे होटल है वो जितना भी खाना बच जाता है वो मुझे दे देते हैं। ओके सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टुमारो वी विल रीड द अनदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर।